दिनों में है कि महाराष्ट्र में गुज़िश्ता दिनों मुख्यमंत्री ने ऐलान किया और नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान किया, लेकिन मालेगांव के लिए बड़ी दुख की बात ये हुई कि कल रात को ही आयुक्त साहब ने एक फरमान जारी किया जिसके चलते आप देखते हैं कि पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में 30 अप्रैल तक के लिए कम्प्लीट लॉकडाउन का ऐलान किया गया, जिसमें सिर्फ जो इसेंशियल आइटम्स हैं उनकी दुकानों को खुली रखने, जैसे दूध की दुकान है, किराना की दुकान है, मेडिकल स्टोर्स हैं, इनको खुली रखने की इजाज़त दी गई। लेकिन इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो 30 तारीख तक कंप्लीट लॉकडाउन की जो बात की गई है उसके चलते पूरे शहर में दुकानों को बंद कराया जा रहा है। आपने सुबह किदवाई रोड और मोहम्मद अली रोड पर इसको कवर भी किया होगा कि किस तरीके से ज़बरदस्ती दुकानों को बंद कराया गया, जिसके चलते आप देखते हैं कि जो डेली कमा कर खाने वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो 200-300 रुपया डेली के बेसिस पे कमाते हैं और खाते हैं, उनका इसकी वजह से शदीद नुकसान हो रहा है। तो हमारा कहना यह है कि आप जब मेडिकल की दुकान खुली रखने की बात कर रहे हैं, दूध की दुकान खुली रखने की बात कर रहे हैं और किराना की दुकान खुली रखने की बात कर रहे हैं, तो वो गरीब किस तरीके से किराना का सामान खरीदेगा, किस तरीके से दूध खरीदेगा, किस तरीके से दवाएं खरीदेगा, जब आप उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो कारोबार है, उसको आप बंद कर दे रहे हैं। तो इसी मुतालबे को लेकर कि अगर आपको कंप्लीट लॉकडाउन करना है 30 तारीख तक, यकीनन महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हम इस पे आपके जो लॉकडाउन है उस पे हम आपका सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको सिर्फ कोरोना के फैक्टर को कंसिडर नहीं करना है, बल्कि जो दूसरा फैक्टर है, जो गरीब तबका है, जो डेली बेसिस पर कमा कर खाता है, आपको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमने जो SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब, मालेगांव यूनिट की जानिब से कुछ मुतालबात लेकर उप डिप्टी कमिश्नर के पास हम आए थे। हमारे जो मुतालबात है उसमें सबसे पहला मुतालबा ये है कि जो बेसिक आइटम्स है, जो इसेंशियल नीड्स हैं आवाम के, जैसे कि किराना है, दूध है, सब्जी है और गैस सिलेंडर वगैरह है, इस तरीके के जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आवाम के इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, उसे जो गवर्नमेंट है वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करे, हर घर तक पहुंचाने की कोशिश करे। इसके साथ ही जो मुख्तलिफ तरीके के टैक्सेस होते हैं, जैसे कि घर पट्टी, नल पट्टी और इस तरीके के जो टैक्सेस होते हैं, जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को देना पड़ता है, तो हमारी गुजारिश ये है कि इस लॉकडाउन के चलते जो मालेगांव की आवाम है वो इस तरीके के टैक्स को पे नहीं कर पाएगी, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरीके के टैक्सेस को माफ़ करे। साथ ही जो एक महीने की बिजली की बिल है उसको भी आपको माफ़ करना चाहिए। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लोग घरों के अंदर रहें, लोग बाहर ना निकलें, तो जब आवाम घर के अंदर रहेगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी बढ़ेगा, तो वो आदमी बिल कहाँ से भर पाएगा जब उसका जो रेगुलर जो कारोबार है वो आप बंद कर देंगे। तो हमारी जो डिमांड्स है यही डिमांड्स है कि इन चीज़ों को आप लागू कीजिए, उसके बाद इस तरीके का कम्प्लीट लॉकडाउन करेंगे तो वाकई में जो है इस तरीके का लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज़ आप कोरोना की वजह से अगर आवाम को अंदर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आवाम जो है भुखमरी की वजह से बाहर आ जाएगी और आपके कंट्रोल में नहीं आ पाएगी। और आप ये सूरत जो है सुबह देख चुके हैं कि किदवा रोड और जो मेन शाहरा है मोहम्मद अली रोड, किस तरीके से आवाम का गुस्सा आपने देखा कि पुलिस और उनके दरमियान बहस भी हुई, मुकामी लीडरान को भी जाना पड़ा। तो हमारी यही डिमांड्स है कि आप इस तरीके की चीज़ों को करने के बाद लॉकडाउन को अमल में लाइए, अदरवाइज आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। एक और डिमांड हमारी ये थी कि जब इस तरीके के आप कंप्लीट लॉकडाउन कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में IPL को कैंसिल करना चाहिए, महाराष्ट्र से IPL को सस्पेंड करना चाहिए, महाराष्ट्र में जितने IPL के मैचेस होने वाले हैं उसे किसी और मुकाम पर मुंतकिल करना चाहिए इफ़ यू आर रियली सिंसियर अबाउट दिस कोविड सिचुएशन। तो ये हमारी कुछ रिकमेंडेशन थी, जो हमारे मुतालबात थे इसको लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के पास आए थे, हमने उनसे मुलाकात की और मेमोरेंडम भी दिया, हमने गुजारिश भी की है, इसी बात को लेकर हम आपके सामने आए थे।